नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। आज हम बात करेंगे ओटीटी पर रिलीज हुई IC 814 द कंधार हाईजेक की। ये वेब सीरीज अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर IC 814 कंधार अपहरण पर आधारित इस वेब सीरीज पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? आतंकवादियों को लेकर, आतंकवादियों के नाम को लेकर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे? कि आखिर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को दिल्ली में समन क्यों किया? पूरा मामला क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं साल 1999 में, जब नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी IC 814 को हाईजैक कर लिया गया था। उस वक्त विमान में 176 यात्रियों के अलावा पायलट समेत क्रू के 15 लोग सवार थे। उस विमान के कैप्टन देवी शरण थे और उनके साथ में थे फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार। आतंकियों ने गन पॉइंट पर विमान के पायलट कैप्टन देवी शरण से कहा था कि विमान को पाकिस्तान ले चलो, लेकिन विमान में ईंधन कम होने की वजह से कैप्टन देवी शरण ने आतंकियों से बताया कि विमान को अमृतसर में उतारना पड़ेगा। अमृतसर में हाईजेक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे सुरक्षा बलों के बारे में शायद आतंकवादियों को अंदेशा हो गया था। विमान अमृतसर में तो रुका, मगर वहां ईंधन नहीं लिया गया। बिना ईंधन वापस लिए लाहौर के लिए उड़ान भरी गई, जहां पर वापस ईंधन भराया गया। लेकिन पाकिस्तान की ओर से तमाम विरोध के बाद, ऐसा जो कि पाकिस्तान दावा करता है, लाहौर से वापस से विमान उड़ा और दुबई में जाकर उसे रोका गया। दुबई में कुछ नेगोशिएशन हुए, ईंधन को लेकर वहां भी बात हुई, जिसके एवज में आतंकियों ने 27 लोगों को छोड़ा और वहां पर ईंधन भराया और फिर दुबई से भी हवाई जहाज उड़कर निकल गया। इस बार जब जहाज उड़ा तो वो जाकर कंधार में रुका, जहां पर उस वक्त तालिबान का राज था। अब इसी घटना पर फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजेक आई है, जिसमें किरदारों के नाम को लेकर विवाद छिड़ गया है। पहले बात करते हैं आतंकियों के नाम की, जिसको लेकर विवाद हुआ है। हाईजेक करने वाले आतंकियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जाहूर मिस्त्री और शाकिर थे। आतंकियों ने असली नाम को छिपाने के लिए अपने कोडनेम रखे थे। कोडनेम कुछ इस तरह से थे, मिस्त्री जहूर इब्राहिम, उसने अपना कोडनेम रखा भोला। सनी अहमद काजी ने कोडनेम लिया बर्गर। शाकिर ने कोडनेम रखा शंकर। शाहिद अख्तर सईद ने अपना कोडनेम रखा डॉक्टर और इब्राहिम अख्तर ने अपना कोडनेम रखा चीन। अब इस सीरीज का विरोध करने वालों का कहना है कि फिल्म बनाने वालों ने, जो मेकर्स हैं, उन्होंने जानबूझकर आतंकियों का नाम भोला और शंकर रखा है। अब इन्हीं नाम को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने निर्माता पर कंधार हाईजेक के तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और संभावित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। वेब सीरीज में भी दिखाया गया है कि हाईजेकर्स एक दूसरे को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से बुलाते हैं। ऐसे में कई लोगों ने भोला और शंकर के नामों को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। अब लेकिन आपको बताते हैं, जो उस वक्त गृह मंत्रालय का बयान सामने आया था, उसके मुताबिक हाईजेकिंग के दौरान IC 814 प्लेन में सवार पैसेंजर्स ने पूछताछ में बताया था कि हाईजेकर्स एक दूसरे को बुलाने के लिए कोडनेम का इस्तेमाल कर रहे थे। वो एक दूसरे को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर नाम से बुला रहे थे। अब सीरीज रिलीज होने के बाद भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने गलत काम को छिपाने के लिए वामपंथियों के एजेंडे का सहारा लिया है। IC 814 के हाईजेकर्स खूंखार आतंकी थे, उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम अपनाए थे। इसका परिणाम क्या हुआ? दशकों बाद लोग सोचेंगे कि हिंदुओं ने IC 814 का अपहरण कर लिया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के अपराधों को सफेद करने का वामपंथ का एजेंडा पूरा हुआ। यह सिनेमा की ताकत है, जिसका इस्तेमाल कम्युनिस्ट 70 के दशक से आक्रामक तरीकों से करते आ रहे हैं, शायद पहले भी या न केवल लंबे समय से। भारत के सुरक्षा तंत्र को कमजोर करेगा, उस पर सवालिया निशाना बनाएगा, बल्कि दोष को धार्मिक समूह से भी हटा देगा, जो भी रक्तपात के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका के जरिए इस सीरीज को बैन करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर्स पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। इस बीच भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को दिल्ली में समन भी किया। नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को तलब किए जाने के पीछे सूत्रों ने बताया कि सरकार ने साफ कर दिया कि किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है।
भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान हमेशा सर्वोपरि है। किसी भी चीज को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको सोचना चाहिए। सरकार इसके प्रति बेहद सख्त। आपको बता दें, इस सीरीज की कहानी सीनियर जर्नलिस्ट रिजॉय चौधरी और देवी शरण की किताब फ्लाइट इन द फियर द कैप्टन स्टोरी से ली गई है। सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं। ये 6 एपिसोड की सीरीज है। इस सीरीज में विजय वर्मा, दिया मिर्जा, नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, पत्रलेखा अरविंद स्वामी और कुमुद मिश्रा ने मुख्य भूमिका निभाई। इस सीरीज को लेकर जो कुछ भी बवाल चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।